स्लीप एपनिया। जैसा कि हमने पहले बतलाया था कि स्लीप एपनिया या स्नोरिंग का प्रमुख रीजन यहां की श्रिंकनेस, और पहला जो कारण बतलाया था ज्यादा बोलना, कंटिन्यूअस एक्सेस बोलते रहना, और फिर रात में जब आप लेटते हैं तब जब बॉडी एक्स्ट्रा ब्रीथ करती है तो वो नहीं ले पाती बिकॉज ऑफ सिकनेस। यदि हम दूसरे कारण पर आए जो एक प्रमुख कारण है, मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी स्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी, जिनका एब्डोमिन का हिस्सा बहुत ऊपर बढ़ गया होता है, तो वो लोग जब लेटते हैं हॉरिजॉन्टल पोज में तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी बॉडी और इतना वेट, बॉडी जब सोने लगती है तो एक्सेस ब्रीद इन करती है, एक्सेस ब्रीद इन करती है और ये श्रिंक्ड है तो एक्सेस उसको लेना पड़ता है और यहां पे खर्राटे आने शुरू होते हैं, इमीडिएट वापस आ जाता है। तो वेट लॉस भी करना इंपॉर्टेंट है, वो वेट लॉस की आप क्रियाएं बहुत सारी कर सकते हैं, यूट्यूब में तो देख ही सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हम एक्सरसाइजेस पर फोकस करेंगे वो ये, इसका कैसे इसको बेटर करें और ब्रीदिंग को कैसे बेटर करें ताकि वो रुके ना, उसमें बाधा ना पहुंचे, ये सब चीजों पर हम यहां पर बात करेंगे। तो वेट भी, वेट का बढ़ना भी स्नोरिंग और स्लीप एपनिया का एक प्रमुख कारण है। हार्मोनल इंबैलेंस तो है ही है जो भी। अब यहां पर जो हमने तीन प्रमुख एक्सरसाइजेस बताई थी, एक तो थ्रोट की, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे। पहले ब्रीद इन करें, थ्रोट की जो एक्सरसाइज है वो करें पहले। पहले ब्रीद इन, तो 10-15 बार करें, एक ब्रीद इन होल्ड करके फिर रिलैक्स कर दें। और ये क्रिया सुबह करने की आवश्यकता नहीं, ये क्रिया सोने के पहले की आवश्यकता है। जब इस क्रिया को सोने के पहले करेंगे तो उसी दिन रिजल्ट मिल जाएगा हमें, हमें मालूम चल जाएगा कि इस क्रिया से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2-4% जब लाभ हो जाएगा तो आप ये समझ लें कि अब हम सही ट्रैक पर हैं, हम इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, इससे इससे हम अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो इसको एक ब्रीद इन होल्ड करके और 10-15 बार इसको संकुचन और फैलाना, संकुचन फैलाना, ये करें, फिर छोड़ दें, फिर करें, ब्रीद इन होल्ड करके ध्यान दें, क्योंकि ब्रीद इन में ही प्रॉब्लम है, ब्रीद आउट में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ब्रीद इन करते समय प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए कपालभाति, अग्निसार, ये सब रात में करने की आवश्यकता नहीं है हमें, हमें ब्रीद इन होल्ड करने चेस्ट में और इसको अप एंड डाउन या फैलाना सिकुड़ना कर ले। तो इसको लगभग 2-4 मिनट 5 मिनट हम यदि कर लें तो बहुत फायदा होगा। ये हो गया, सोने के पहले अपने पास टाइम होता है। अब जो दूसरी प्रमुख एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप उज्जायी प्राणायाम करेंगे। उज्जायी प्राणायाम कैसे? उज्जायी प्राणायाम से आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस, और आप देखें तो अगर यहां से बिल्कुल बीच के हिस्से से निकालें नीचे तक, आधा ये हिस्सा कर दें आधा ये हिस्सा कर दें तो आपको सिर्फ यही मिलेगा, ये पूरा हिस्सा। और फोकस करने की और बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की बात है कि यदि हमने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेटर कर दिया तो हमारा ये हिस्सा का ब्लड का फ्लो
इस हिस्से का ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का फ्लो, ये सब बहुत बेहतर हो जाता है और हम गहरी नींद में लंबे समय तक एक स्टेट में बने रहते हैं। और यदि गहरी नींद में लंबे समय तक एक स्टेट में बने हैं तो आपको ब्रेन की समस्या और ब्रेन के कारण शरीर में समस्या नहीं होने पाएगी। जो हम आगे इसके साइड इफेक्ट्स बताएंगे वो आप देख लीजिएगा। तो उजाई प्राणायाम कैसे करें इस पर हम फोकस कर लें। सामान्यतया हठ योग में उजाई बहुत भिन्न तरीके से की जाती है। मैं हठ योग की उजाई प्राणायाम का विरोधी नहीं हूं, ना मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन सामान्य रूप से वो बहुत एक्सेस फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में हो जाती है, जो मेरे अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं। जैसे देखें, मतलब बहुत तेज यहां पर खिंचाव करते हैं। मेरे अपने एनालिसिस के अनुसार ये एक्सरसाइज सामान्य लोगों को या थोड़ा जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। जो बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जैसे हमारा किसान वर्ग है, ये सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं वो नहीं कर सकते। और उन लोगों को ही ये प्रॉब्लम होती है, ये स्लीप एपनिया, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो कैसे करें? हॉरिजॉन्टल पोज में लेट जाएं और फिर करें। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। गले से सांस सरसराहट की निकालनी है। ये एक्चुअली सांप से कॉपी किया गया। जैसे सांप फुफकारता है, जैसे छोटे बच्चे सोते हैं गहरी नींद में, बहुत छोटे बच्चे जब गहरी नींद में सोते हैं तो ऐसे ही सरसराहट की आवाज निकालते हैं। वे खर्राटा नहीं लेते, वे सरसराहट की आवाज निकालते हैं। तो कैसे, जरा देखिए। ये किया तो गले में सरसराहट की आवाज। ध्यान दो, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो मसल्स की एक्सरसाइज, यहां आप बहुत एक्सेस कर सकते हो। जितने भी सूक्ष्म अंग हैं उनको उनके स्वभाव के अनुरूप एक्सरसाइज दिया जाना चाहिए। उनको ऐसी एक्सरसाइज न दो जिससे वे हड़बड़ाहट में आ जाएं, जिससे वे कोप अप न कर पाए, समझ न पाए। तो उनको सेंसिटिव एक्सरसाइज, उनको बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं देने की जरूरत। तो जब आप लेटेंगे, जब आप इस सरसराहट की आवाज करेंगे इससे, तो सरसराहट की आवाज करने का मतलब भी समझ लें। इसका मतलब है कि इस जोन में आप अपने ब्लड के फ्लो को एक्सेस बढ़ा रहे हैं और ब्रीदिंग से अपने ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। ये दो पर्पज है जब लेट करके आप उजाई करेंगे। यहां पे सरसराहट की आवाज से आप यहां के अंगों को, आसपास के और सेंटर के अंगों को मसाज, अब मसाज वैसे तो करेंगे नहीं जैसे आप शरीर की मसाज कराते हैं, ये इस अंग के अनुसार ही मसाज होनी चाहिए। तो सरसराहट की आवाज बहुत काफी है, इतना सेंसिटिव ऑर्गन है ये। अगर इसको बहुत ज्यादा फिजिकल फोकस करने लगे, जैसे ये, तब इसको आप डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए मेरे अपने अनुभव में, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मेरे अपने अनुभव में जितना सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको उसी के अनुसार एक्सरसाइज प्रदान किया जाना चाहिए। यदि वो उसके अनुरूप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको एक जबरदस्त लाभ मिलेगा और ब्रेन में अल्फा तरंगे प्रोड्यूस होने लगेंगी। जितनी साइलेंट, जितनी स्लो ब्रीदिंग होएगी और सूक्ष्म थोड़ा सा मसाज करते हुए, उतना ही आप डीप स्लीप में चले जाएंगे, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा और यहाँ का स्ट्रेस भी रिलैक्स।
ये कम से कम 11 मिनट होने चाहिए। इसको हम लेट करके उज्जायी प्राणायाम कर सकते हैं, किंतु ये उज्जायी का ट्रेडिशनल प्राणायाम नहीं है। हठ योग में इस तरह के प्राणायाम नहीं बतलाए गए हैं, पर मेरे अपने अनुभव में यदि आप इसका अभ्यास करें तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा लाभ दिख जाएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा अपने सिर के नीचे पतली सी तकिया रख लें, पिलो रख लें और फिर इसको करें। आप देखें